नीलम का नाम सुनते ही हर व्यक्ति सोचता है बहुत महंगा रत्न, एक ऐसा रत्न जो राजा महाराजा ही पहन सकते थे या कोई बहुत बड़ा सामंत पहन सकता था, हम कहाँ से पहनेंगे। और जब वो नेट पे जाता है तो उसको कई बार ऐसे स्टोन भी मिल जाते हैं नेट पे, जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं उनके ऊपर, कि 1500 में 2000 में उसे नीलम मिल रहा है अंगूठी समेत। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, क्या असली है क्या नकली है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको इस बारे में बिल्कुल नहीं समझ आती। लेकिन अगर हम डिटेल में नीलम के बारे में समझेंगे, उसकी प्राइसिंग के बारे में समझेंगे, तो हमें ये बात समझ आएगी कि एक अच्छा नीलम जो है वो एक महंगा रत्न है, लेकिन नीलम बहुत महंगा होना ज़रूरी नहीं, सस्ता भी मिल जाता है। जैसे एक तो हीटेड ट्रीटेड नीलम होते हैं, उनके बारे में तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि हीटेड ट्रीटेड नीलम कैसे होते हैं, उनमें किस तरह से रेशा ही नहीं होता, किस तरह वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत नीले होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ जो देखेंगे वो देखेंगे नेचुरल नीलम को, और उसमें देखेंगे कि एक बढ़िया नीलम, एक सस्ता नीलम और एक बहुत सस्ता नीलम जो है उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या उसमें देखने में फ़र्क होता है और क्या उनकी एफिकेसी में फ़र्क होता है। आइए देखें, ये जो नीलम है ये एक बेहतरीन नीलम है। इस तरह का नीलम 30-40 हज़ार रुपये रत्ती में आता है। ये एक बेहतरीन नीलम है, इस तरह का नीलम 30-40 हज़ार रुपये रत्ती में आता है। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत थोड़ा सा रेशा दिख रहा है, बहुत सुंदर रत्न है ये, चमकदार है, पारदर्शी है, नीला रंग भी है इसमें, पर इसका नीला रंग कुदरती नीला है, बहुत नीला अगर हम बोलें तो वो नहीं होता ये रत्न। इस रत्न को देखिए, ये इससे थोड़ा कम कीमत का रत्न है, इसमें आपको हल्का सा जो है धुंधलापन दिखेगा, रेशा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, पर ये भी एक बहुत सुंदर रत्न है। इस तरह का रत्न जो है वो भी 20-25 हज़ार रुपये रत्ती में आता है। इस रत्न को देखिए, ये भी जो है एक ट्रांसपेरेंट सुंदर रत्न है, इसके अंदर रेशा बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर, तो ये भी जो है आपका 20-1 हज़ार रुपये रत्ती का रत्न है ये। इस रत्न को देखिए, इसमें रंग ज़्यादा है पर इसमें थोड़ा रेशा भी ज़्यादा है, तो ये भी जो है 20-25 हज़ार रुपये रत्ती का ही रत्न है। अब जब हम इससे हटके थोड़ा लोअर रेंज में आते हैं, तो ये 11-12 हज़ार रुपये रत्ती में की रेंज में जब हम आते हैं, तो इनमें जो है वो आपको सफ़ेदी मिलेगी, बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं है ये रत्न, ये जो है सुंदर नहीं है इतना, इसकी पारदर्शिता जो है वो भी कम है, ये एक इतना आकर्षक रत्न नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी ये 11-12 हज़ार रुपये रत्ती का रत्न है, सुंदर है, पारदर्शी है और हल्का नीला रंग होता है। लेकिन इसमें ये भी इसी कीमत का नीलम है, ये भी इसी तरह से आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो पारदर्शिता रहेगी, लेकिन इसमें फिर रंग कम है और हल्का रेशा भी रहेगा इसमें। ये फिर उससे भी सस्ता नीलम है, इसमें जो है आपको पारदर्शिता मिलेगी इसमें आपको, लेकिन साथ ही साथ धुंधलापन भी मिलेगा, उसके कारण से ये रत्न जो है सस्ता हो जाता है। इस तरह का रत्न जो है 8-9 हज़ार पर रत्ती आता है, इसमें जो है चमक कम होती है और नीला रंग भी हल्का हो जाता है और इसमें अंदर रेशा होता है, रेशा अवश्य आ जाता है, रेशा अच्छे से विजिबल रेशा हो जाता है इसके अंदर। जब हम और लोअर रेंज में आ जाते हैं, जैसे 4-5 हज़ार रुपये रत्ती का नीलम की बात करेंगे, तो ये जो है 4-5 हज़ार रुपये रत्ती का नीलम है, इसमें जो है आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा रेशा, इसमें जो है चमक अपने अंदर बहुत कम है, पारदर्शिता है पर बहुत कम, इसी क्वालिटी का नीलम ये भी है। और ये सब लेकिन जब मैंने अभी तक आपको दिखाया, ये श्रीलंकन नीलम है, श्रीलंका जिसे सिंगला भी बोला जाता है, सिलोन भी बोला जाता है, वहाँ के नीलम होते हैं ये बहुत सुंदर आकर्षक लेकिन हल्के रंग के नीलम होते हैं। ये जो है बैंकॉक का नीलम है, नॉन हीटेड ट्रीटेड वैरायटी है ये बैंकॉक की, जो आजकल बहुत रेयर आती है,
क्योंकि ज़्यादातर आजकल सब जो नीलम होते हैं बैंकॉक के, उनको हीट ट्रीट कर दिया जाता है और फिर उनको जो है बाज़ार में लाया जाता है, क्योंकि उससे वो पारदर्शी हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं, उनकी कुछ भी कीमत जो है मांग ली जाती है फिर। और ये जो नीलम है ये लेकिन नेचुरल नीलम है बैंकॉक का, ये 2-2.5 हज़ार रुपये रत्ती में आ जाता है और ये बहुत सुंदर होता है, चमकदार होता है। इसकी भी कभी भी जो है इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा और ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। ये एक बहुत अच्छा नीलम है और कम कीमत में आ जाएगा। फिर जैसे जैसे आपकी जब बजट बढ़ेगा, अगर आपका बड़ा बजट है तो आप एक बढ़िया जो है नीलम ले सकते हैं, वो पहनना आपको जो है हमेशा हितकर रहेगा। नीलम जो है उसको जादू का रत्न माना जाता है, लेकिन मैं उसको जादू का रत्न नहीं मानता। प्रभाव जरूर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स देता है ये, लेकिन मैजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं देता। मैजिक में और स्ट्रॉन्ग प्रभाव में जो है फ़र्क होता है, उसको समझ के प्रॉपरली धारण करिए नीलम को, आपको ज़रूर जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका।